कैप्टन विक्रम बत्रा एक युवा के अंदर जितनी खूबियां हो सकती थीं, उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम खूबियां भी नहीं थीं उनके अंदर। हम घर पहुंचे तो पुरानी तस्वीरों के जरिए पुरानी यादें भी ताजा होने लगी। तस्वीरें दिखाकर श्री जीएल बत्रा और श्रीमती कमलकांता बत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा से जुड़ी तमाम कहानियां सुनाई। कुछ तस्वीरें तो बिल्कुल अनोखी थीं। आपने कैप्टन विक्रम बत्रा की ये तस्वीर आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। स्कूटर पर सवार है कैप्टन विक्रम बत्रा। माँ बताती हैं, जिद करके स्कूटर ली थी, वो भी दूसरों की मदद करने के लिए। समझा जा सकता है ऐसे अनोखे, सबके लाडले, सबसे प्यार करने वाले हैंडसम लड़के पर मरने वालों की भी कोई कमी नहीं होगी। ऐसे में महज 25 साल की उम्र में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के माँ बाप को इस बात का अफसोस भी है कि अपने बेटे का घर नहीं बसा पाए। बस यही एक मेरा सपना था कि वो लड़ाई से वापिस जीता जागता आता और मैं अपने हाथों से उसकी शादी करती और फिर उसकी जो फैमिली थी वो देखती। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है, अगर कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद न होते तो लौट कर आने के बाद उनकी शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी, और वो भी उस लड़की के साथ जिससे वो बेहद प्यार करते थे। और वो लड़की कैप्टन विक्रम बत्रा से कितना प्यार करती थी ये तो कैप्टन के शहीद होने के बाद ही मालूम चला। 24 साल की उम्र में शहादत देने वाले विक्रम बत्रा अपने आप में अनोखे थे, और इतनी ही अनोखी थी उनकी प्रेम कहानी भी। विक्रम बत्रा की शहादत तो सभी को याद होगी, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि उनके जाने के बाद, उनके शहीद होने के बाद उनके प्यार ने कितना बड़ा बलिदान दिया। यकीन मानिए, इस कहानी के बारे में जानकर आपको भी लगेगा कि आज के दौर में प्यार की ऐसी मिसाल मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। ग्रेजुएशन करने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज पहुंचे कैप्टन विक्रम बत्रा ग्रेजुएट होने के बाद सीडीएस की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन चंडीगढ़ में रहना था, वो भी हॉस्टल में, इसलिए पीजी में भी एडमिशन ले लिया था। और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी उस लड़की से जिससे वो प्यार करते थे और शादी करने का मन भी बना चुके थे। जब मोहब्बत हो गई तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने घर वालों से भी साफ साफ कह दिया उनके लिए लड़की तलाश ना की जाए, क्योंकि वो पहले ही बत्रा फैमिली के लिए बहुत तलाश कर चुके हैं। शादी के बारे में विचार था कि जब वो चंडीगढ़ में पढ़ते थे, ग्रेजुएशन साइंस में करने के बाद उन्होंने एमए इंग्लिश ज्वाइन किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो एक उनकी मित्र थी छात्रा, शायद उनकी क्लास फेलो थी वो या दूसरे सब्जेक्ट में थी, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। दोनों की मित्रता थी, बहुत अच्छी मित्रता थी, दोनों बहुत डिवोटेड थे टू ईच अदर, और विक्रम जी ने हमें बता दिया था कि उनकी मित्र है और वो जब भी विवाह करेंगे तो उसी से करेंगे। मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि चलो उन्होंने हमें बताया है कि वो उनकी मित्र है और उससे ही विवाह करेंगे, इस बात की मुझे खुशी भी थी, और मैंने ठोक बजा करके उनको उनसे ये पता कर लिया था कि वो 100% जो है उनका उसमें कन्फर्मेशन है और उस लड़की का भी 100% कन्फर्मेशन है, तो ये मैंने ठोक बजा करके दोनों से इंक्वायर कर लिया। तो उसके विषय में हमने ये निश्चित कर लिया था कि जब ये कारगिल वार से वापस आएंगे तो
तो हम इनकी शरण। सब कुछ तय था, बत्रा परिवार अपना मन बना चुका था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। माँ ने भी रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। माँ ने फोटो देखी थी, बहू बेहद खूबसूरत थी, विक्रम को पसंद भी थी। ऐसे में ना कहने का कोई सवाल भी नहीं उठता। जल्द ही अपनी होने वाली बहू से मुलाकात भी होने वाली थी। जी हाँ, हमने एक लड़की जो कि उसी की क्लास फेलो थी, तो उसने वो खुद पसंद कर रखी थी और हमें बता दिया था कि मेरे लिए कोई भी लड़की जो है वो शादी के लिए मत देखना, मैं आपसे मिलवा दूंगा। पहले तो हम उसे नहीं मिले थे, लेकिन उसकी शहादत के बाद ही उस लड़की से मिले, तो उसने पहले ही कह दिया था कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। और हमारी भी यही इच्छा थी कि जब ये युद्ध से वापस आ जाएगा तो हम इसकी शादी कर देंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने ग्रेजुएशन के बाद MA इंग्लिश में एडमिशन लिया और यहीं पर उनकी मुलाकात उस लड़की से हुई जिसे देखते ही वो अपना दिल दे बैठे। प्यार हुआ, एक साथ जिंदगी बिताने का वायदा भी किया गया, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत के बाद ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कैप्टन विक्रम बत्रा तो बहुत दूर चले गए, लेकिन उनके साथ ही जिंदगी बिताने की कसम खाने वाली लड़की आज भी अपनी कसम को उसी ईमानदारी के साथ निभा रही है उसकी यादों में। ऐसा भी नहीं कि उसे समझाने की कोशिश नहीं की गई। माँ बाप और परिवार के साथ साथ बत्रा परिवार ने भी खूब समझाया, जिंदगी लंबी है, अकेले कैसे कटेगी, लेकिन किसी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। हाँ, उनके माता पिता ने भी उनको बहुत कहा तो वो नहीं मानी। उसके बाद हमने भी उनसे कहा, क्योंकि हम भी चाहते थे कि उनका जीवन काफी अभी है, छोटी एज थी उस वक्त, कम थी, मगर वो यही जवाब देती कि नहीं अंकल, अब मैं जो है ये जीवन उसको समर्पित, उसकी यादों को समर्पित। न साजन आए, आंगन में प्यार के जो फूल खिले थे वो भी मुरझा गए, लेकिन उसने साजन की यादों के पतझड़ में ही अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। आज उनकी उम्र लगभग 40 साल हो गई है। न ही विक्रम की इस प्रेम दीवाने का फैसला बदला है, न ही प्यार कम हुआ है। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत को तो हम सभी सलाम करते हैं, आज साथ में उस देवी के बलिदान को भी नमन। कैप्टन विक्रम बत्रा की उम्र महज 24 साल थी जब वो देश के लिए शहीद हो गए। वह छोटे से ब्रेक आए, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे पालमपुर के युवा कितने ज्यादा प्रभावित हैं कैप्टन विक्रम बत्रा से।